आईटीओ लिमिटेड राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कारों के साथ सम्मानित की गई है। तो आईटीओ लिमिटेड राव और बरेली और बेंगलुरु प्लांट ने प्रदर्शन वर्ष 2016 के लिए 3 श्रेणियों में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार जीता है। आईटीओ लिमिटेड बेंगलुरु प्लांट कर्नाटक को विजेता के रूप में दुर्घटना के मुक्त वर्ष के आधार पर औद्योगिक सुरक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। आईटीओ लिमिटेड की जो राव और बरेली प्लांट है उत्तर प्रदेश के अंदर, को न्यूनतम सुरक्षा आवृत्ति दर में तेजी लाने और दुर्घटना मुक्त वर्ष प्राप्त करने के रूप में औद्योगिक सुरक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार 17 सितंबर 2018 को श्री हीरालाल सामरिया, सचिव श्रम और रोजगार मंत्री भारत सरकार की उपस्थिति में माननीय श्री संतोष कुमार गंगवार, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार के द्वारा श्री के अलगेशन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आईटीआई लिमिटेड को प्रदान किया गया है। आईटीआई लिमिटेड पार्टनर विद द स्टार्टअप ऑफ द बूस्ट द मैन्युफैक्चर ऑफ आईसीटी आईओटी एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन एट द फर्स्ट आईसीटी आईओटी एक्सपो। आईटीआई लिमिटेड टुडे साइंड एग्रीमेंट विद द लीडिंग स्टार्टअप एंड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कवरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वाइड रेंज ऑफ आईसीटी आईओटी बेस्ड सॉल्यूशन। दीज इंक्लूड सिविल एंड मिलिट्री एडवांस रेडार सिस्टम, एडवांस एड्स राउटर सिस्टम, नेक्स्ट जनरेशन 5G टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड डेटा स्टोरेज एंड नेटवर्क सॉल्यूशन, डिजिटल सिक्योरिटी सॉल्यूशन, एडवांस मीटिंग सॉल्यूशन एंड वाईफाई प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन। द एग्रीमेंट्स वर साइंड टुडे इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर द कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ रेलवे श्री मनोज सिन्हा एंड चेयरमैन टेलीकॉम कम्युनिकेशन सेक्रेटरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन श्रीमती अरुणा सुंदर राजन। ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईटीआई टुडे आईसीटी एंड आईओटी स्टार्टअप टेक एक्सपो इन बेंगलोर, स्पीकिंग एट द वैलेंडेटरी सेशन ऑफ द टेक एक्सपो श्री सिन्हा सेड विथ मोर देन 20,000 स्टार्टअप इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप इन द वर्ल्ड। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी द आईटीआई प्रमोटिंग स्टार्टअप इन द आईसीटी एंड डिफेंस सेक्टर। Such events will provide an effective platform for startup to convert their innovative idea into marketable product and service. The agreement signed today will also help ITI diversify its manufacturing capability, its partnership with the startup, thereby supporting the sustainable turnaround the RTI. ITI Limited has also entered into an agreement with the Telecommunication Engineering Center (TEC) New Delhi for establishment of state of the art telecom testing lab at its Bangalore plant to facilitate mandatory testing of imported and indigenously telecom equipment in India. The foundation stone for the set of the telecom testing lab, comprising EMI, EMC lab, specific observation rate lab, safety lab, and security lab, was laid today by the ministers. Srimati Aruna Sundar Rajna, Chairman, Telecom Communication and Security Department of the Telecommunication Government of India, added the draft National Digital Communication Policy 2018 emphasized domestic manufacturing of the digital communication equipment and component and aimed to introduce the phased manufacturing program for the identified product segment to accelerate the achievement of this goal. ITI will manufacture some of the innovative product that has been emerged from the unique event. The new manufacturing initiative of ITI in partnership with the startup should focus on the creating Indian IPRS in a communication sector. Speaking on the occasion, Sri K. Algesen, Chairman and Managing Director of ITI Limited, and thanked the participant of the Tech Expo 2018 and welcomed their partner with the ITI to create the mutually beneficial outcomes and more than 500 startup and tech entrepreneurs actively participate in the events. ITI Limited is the multi-unit central public sector undertaking in communication manufacturing segment. The company has manufacturing facility in 6 locations: Bangalore, Naini, Rai Bareilly, Madhapur, Jammu and Kashmir, and Faridabad. Along with the in-house R&D center in the Bangalore and marketing cum service outlet spread across the country,
The company offers a range of telecom products covering a wide spectrum of the switching, transmission, access and subscriber premier equipment. Besides offering the telecommunication solution and customized support, a variety of business, ITH has dedicated a network system unit of carrying out installation and commissioning of equipment and for the undertaking turnkey project. ITI is focused on the manufacturing of the diversified product in the defense and railway sector and the manufacturing of the solar equipment, NGN product and GPON LED lighting system, optical product, PMP mini microwave along with the other allied product like HP, HDPE, OFC, Leon batteries, smart cards, defense equipment, Wi-Fi etc. The company intended to consolidate its diversification into the defense, IoT, e-governments, IT project and service sector to gain the competitive edge. The company operates a data center at Bangalore and currently also offers a service in the government institution department and banks etc. For intermediate release, ITI backs another new advance work order worth 66,633 crore from BSNL in the 3-state declared L1 in the Rajnet. So, Bangalore 31 August 2018, ITI Limited, a multi-unit central public sector undertaking in the telecommunication manufacturing segment, has received an advance work order from the BSNL for the operation and maintenance and sales and marketing of the passive infrastructure 6,945 BTS sites of BSNL GSM network in upstate UP West and Uttarakhand and Tamil Nadu circle. The EWA value adds provision rates and 6,633 crore rupee, including the tax of the order of the period of 10 years. This is part of BSNL GSM network, which consists of approximate 61,000 BTS sites across the country. The scope of the work includes the operation of maintenance of passive infrastructure of BTS sites, covering manning, taking care of the sites, diesel filling, payment of electricity bill, and preventive and shutdown the maintenance, annual maintenance, overhaul and spare energy management, maintenance of the site status alarm, setup of BEV enabled and remote monitoring system, coordination and housekeeping for all the sites etc. The work also includes the marketing of BTS infrastructure to other GSM player for earning additional revenue. This order comes in the backdrop of ITI experience in GSM technology, where ITI was the first to manufacture GSM equipment in the country and supplied nearly 25 million lines capacity of equipment to BSNL and MTNL. ITI has also taken up the maintenance of network supplied by the ITI to BSNL. Highlight on the bagging one of the biggest order in this year, C.K. Alkisen, Chairman and Managing Director of ITI Limited, and said, "We are targeting for the order book of 20,000 crore, and these mega order really boost our morale with the past experience of maintenance of the GSM project. We hope smooth execution of this order in the coming days." In addition to the above, ITI has also been declared as L1 in the Rajnet project for the state of the Rajasthan. The scope of project includes supply of the 40,000 Wi-Fi hotspot, 200 towers, 3,000 masts and 1,000 micro BTS and 800 BTS, and also annual maintenance of the same. ITI is likely to get RS 212 crore as a part of L1 order. ITI Limited ने भारतनेट चरण सेकंड के कार्यान्वयन के लिए 2,658 करोड़ रुपए के महानेट आदेश प्राप्त किए हैं। तो बेंगलुरु 25 अगस्त 2018 को ITI Limited दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र की बहु इकाई केंद्रीय सार्वजनिक उपक्षेत्र के उपक्रम का महानेट वन भारतनेट चरण सेकंड में दो पैकेज ए और सी के परियोजना कार्यान्वयन के लिए एजेंसी PIA के रूप में महाराष्ट्र सूचना प्रौद्योगिकी निगम लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र से अभिप्राय पत्र प्राप्त हुआ है। भारतनेट चरण सेकंड के हिस्से के रूप में महानेट का उद्देश्य लगभग 13,000 ग्राम पंचायतों को भूमिगत हवाई ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से
ब्लॉक स्तर पर डिजिटल रूप से जोड़ना है, और आईपी एमपीएलएस प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों का उपयोग करके सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करना है, और वाईफाई के माध्यम से स्थानीय जनसंख्या में ब्रॉडबैंड का विस्तार करना है। इस वर्ष शुरुआत के दोनों पैकेजों के लिए आईटीआई की बोली को न्यूनतम L1 घोषित किया गया है। अब आईटीआई को महाराष्ट्र सरकार ने दो पैकेज ए और सी के लिए, इनके लिए आईटीआई ने अपनी बोली लगाई थी, परियोजना में निष्पादित करने के लिए अभिप्राय पत्र प्राप्त हुआ है। आईटीआई के दोनों पैकेजों के अंतर्गत 18 जिला, 110 तालुक और 8695 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इन पैकेजों के काम के दायरे में तालुक और ग्राम पंचायतों के ऑप्टिकल फाइबर केबल, OFC, भूमिगत और हवाई बिछाने के साथ साथ नेटवर्क के संचालन और रखरखाव, साइट सर्वेक्षण, योजना खरीद, डिजाइन, कार्यान्वयन और नेटवर्किंग शामिल है। इसमें ग्राम पंचायतों के लिए रेडियो कनेक्टिविटी, सरकारी परिसर, स्कूल और PSC के 36 कनेक्टिविटी के कार्यान्वयन भी शामिल हैं, जिसे फाइबर के माध्यम से जोड़ा नहीं जा सकता। लगभग 38,000 किलोमीटर फाइबर केबल बिछाई जानी है, जिसमें ब्लॉक, जिला केंद्र और राज्य मुख्यालय के साथ साथ ग्राम पंचायतों के जोड़ने के लिए भी भूमिगत और हवाई फाइबर शामिल हैं। मानेट के कार्यान्वयन पर प्रकाश डालते हुए आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री के अलगेशन ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि मानेट परियोजना के दो पैकेज ए और पैकेज सी के लिए हमारी बोलियों को स्वीकार करने के साथ आईटीआई की ऑर्डर बुक स्थिति में सुधार होगा। आईटीआई ने महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारतनेट चरण की फर्स्ट के क्रियान्वित किया है, और मानेट परियोजना हमें भारतनेट परियोजना में और योगदान देने का अवसर दे रही है। भारतनेट परियोजना में आईटीआई के योगदान पर जोर देते हुए आईटीआई लिमिटेड के निदेशक विपणन श्री RM अग्रवाल ने कहा है कि आईटीआई की मार्केटिंग पहलों के मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत जैसे भारत सरकार के मिशनों के पूरक के रूप में किया जाता है। पैकेज ए और सी के महानेट परियोजना अर्जित करने के बाद हम अपने सभी संयंत्रों में हमारी नवीनीकृत बुनियादी ढांचे के साथ नए व्यावसायिक अवसरों की उम्मीद कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम संचार उत्पादों के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली बनाने में सक्षम है। भारतनेट भारत सरकार की एक परियोजना है जिसका लक्ष्य देश में 25 लाख यानी 250,000 ग्राम पंचायतों के ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने और एक प्रयास में देश के सभी गांवों को डिजिटल इंडिया अभियान में शामिल किया जाना है। चरण फर्स्ट परियोजना के अंतर्गत 1 लाख ग्राम पंचायतों के जोड़ने का कार्य 2017 तक पूरा कर लिया गया है। आईटीआई लिमिटेड 1612 करोड़ रुपए के भारतनेट चरण सेकंड निविदाएं गुजरात परियोजना से प्राप्त किया गया। बेंगलोर 4 जून 2018 को दूरसंचार निर्माण खंड की एक बहु इकाई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम आईटीआई लिमिटेड को गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा जारी गुजरात के भारतनेट चरण सेकंड निविदा में दो पैकेजों के लिए में से एक मिला है। भारतनेट सेकंड परियोजना किसी के रूप में GFGNL का उद्देश्य लगभग 7500 ग्राम पंचायतों में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ब्लॉक से जोड़ना है, और गीगाबाइट निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क जीपान और अन्य उपयुक्त जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करना है। आईटीआई ने पैकेज ए के 1612 करोड़ रुपये के मूल्य के निविदा की बोली के साथ किया है। इस काम के लिए ऑप्टिकल फाइबर HDPE नालिका ट्रेंचिंग एंड फाइबर लगाने की आपूर्ति शामिल है। ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क उपकरण के ब्रॉडबैंड का विस्तार और ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल और ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल का उपयोग करके ब्लॉक से ग्राम पंचायतों तक विस्तार करना है। पैकेज ए में अहमदाबाद में नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली की स्थापना भी शामिल है, ताकि फाइबर प्रबंधन GIS ERP इत्यादि सहित पैकेज ए और पैकेज सी बी नेटवर्क तत्वों का प्रबंधन किया जा सके। NMS और बेंगलोर में BBNL के केंद्रीय NMS से जोड़ा जा सके। ITI EPC आधार पर संपूर्ण पैकेज ए प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें सर्वेक्षण, डिजाइन और योजना, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, OFC, भूमिगत और हवाई इसके सहायक उपकरणों की कमीशन शामिल है। पेंच पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ग, मार्कर, स्प्लिंटर संयुक्त कनेक्टर, हवाई ध्रुव, PLV एंड HDPE नालिका, UPC, UPS, GPON उपकरण, NOC उपकरण, रिमोट फाइबर प्रबंधन प्रणाली व अन्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए बढ़ते ढांचे हैं। महत्वपूर्ण उपलब्धि के महत्व को उजागर करते हुए आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री के अलगेशन ने कहा है कि भारतनेट चरण सेकंड के तहत GFGNL पैकेज ए आईटीआई की ऑर्डर बुक में मूल्यवर्धन साबित होगा। हम गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड के लिए जापान तैनात करके गुजरात पैकेज ए के आदेश के लिए भारतनेट सेकंड को लागू करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। भारतनेट सेकंड के तहत
जुड़े ग्राम पंचायतों में दो पैकेज को बांटा गया है। पैकेज ए शेष गुजरात के लिए और पैकेज बी सौराष्ट्र के लिए। पैकेज ए में 12 जिले, 70 ब्लॉक और 3,825 ग्राम पंचायत, 24 ग्राम पंचायतें शामिल हैं, जबकि पैकेज बी में 10 जिला और 25 ब्लॉक एंड 3,698 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। श्री के अलगसेन एज्यूम ए एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईटीए लिमिटेड। तो पर्सन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कमीशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन श्री के अलगसेन डायरेक्टर प्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ आईटीए लिमिटेड एज्यूम्ड एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी एज 31 मई 2018 फॉलोइंग इन द रिटायरमेंट ऑफ श्री एस गोपू। श्री के अलगसेन होल्ड बीई डिग्री इन द प्रोडक्शन ऑफ द इंजीनियरिंग फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी इन तिरुचिरापल्ली, ईयरलियर नॉन एज REC, एंड ही होल्ड एन एडवांस डिप्लोमा इन द मैनेजमेंट एंड डिप्लोमा इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम द IGNOU। ही जॉइंटेड ITI इन द January 1982 एड एज असिस्टेंट एजुकेटिव इंजीनियर। अकॉर्डिंग टू दैट ही जॉइंटेड ITI इन January 1982 एज असिस्टेंट एजुकेटिव इंजीनियर। ही हैज़ प्लेड ए वीटल रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइवल प्लांट ऑफ द कंपनी अंडर विच ही इंट्रोड्यूस मैनी न्यू प्रोजेक्ट लाइक GPU एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर, HDPE डक्ट, 3D प्रिंटिंग सर्विस एंड रगडिगाइज्ड मक्स एंड रेडियो मॉडम, स्मार्ट एनर्जी मीटर ETC। ही हैज़ बीन लीडिंग वेरियस डिफेंस प्रोजेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज आर्मी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम NFC एंड सप्लाई फॉर वेरियस इनक्रिप्शन इक्विपमेंट। श्री के अलगसेन हैज़ ओवर 35 ईयर ऑफ द रिच एक्सपीरियंस इन द ITI लिमिटेड वेयर ही हैज़ क्लेम्ड द प्रोफेशनल लीडर विद द ऑटमोस्ट सेंस ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स एंड डेडिकेशंस। अबाउट द ITI लिमिटेड, ITI लिमिटेड कंपनी इज प्राइमरी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एंड मल्टी यूनिट सेंट्रल पब्लिक यूनिट अंडरटेकन द टोटल सोल्यूशन प्रोवाइडिंग इन द टेलीकम्युनिकेशन एंड सेगमेंट। द कंपनी हैज स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ मैनुफैक्चरिंग ऑफ फैसिलिटिंग 6 लोकेशन, बेंगलोर, नैनी, राव, बरेली एंड मनकपुर J&K। अकॉर्डिंग टू दैट ITI लिमिटेड ने डेटा सेंटर का किया विस्तार, डिजिटल इंडिया प्रयास की दिशा में बढ़ाया एक बड़ा कदम। अपने बेंगलुरु संयंत्र में 1,000 अतिरिक्त रैक्स जोड़े हैं। नैनी संयंत्र में 200 रैक्स का नया डेटा सेंटर स्थापित किया है। यह भारतीय कारोबारों की ओर से लगातार तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करेगा और स्थापित बुनियादी ढांचे के लिए सुरक्षित और संरक्षित ढांचा हासिल करने के लिए ग्राहकों की मदद करने के लिए एक नई पीढ़ी की सुविधाएं और सेवाओं के फायदों को पेशकश करेगा। बेंगलोर में 30 मई 2018 को देश की आज़ादी के बाद बनी पहली सार्वजनिक क्षेत्र की और प्रीमियर टेलीकॉम विनिर्माण कंपनी ITI लिमिटेड ने आज बेंगलोर में मौजूद संयंत्र में 1,000 अतिरिक्त रैक्स जोड़कर अपने डेटा सेंटर के संयंत्र का विस्तार किया है। अपने नैनी, इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश संयंत्र में 200 रैक्स क्षमता वाले एक नया डेटा सेंटर की स्थापना करके घोषणा की है। यह घोषणा सरकार के द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सरकारी विभागों के द्वारा ITI बुनियादी ढांचा स्थापित करने के दिशा निर्देश के बाद की गई है। इसमें एक प्रावधान यह भी है कि सारा डेटा देश के भीतर ही स्टोर किया जाना चाहिए। नया बुनियादी ढांचा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों, केंद्र एवं राज्य सरकारों की इकाइयाँ, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, कॉरपोरेट और बड़ी कंपनियों को अपना डेटा देश के भीतर संरक्षित रखने में मदद मिलेगी। ITI लिमिटेड द्वारा संयंत्रों के यह विस्तार के सरकारी और कॉरपोरेट क्षेत्र में कंपनियों को अपने ग्राहकों को एंड यूजर्स के बेहतर सेवा करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही वे निजी कंपनियों से मुकाबला करने में सक्षम होंगे। हाई स्पीड नेटवर्क्स और अन्य सेवाओं की नज़दीकी के साथ कंपनियां देरी को कम कर पाएंगी, प्रदर्शन में सुधार कर सकती हैं, ग्राहक संतुष्टि को बढ़ावा सकती हैं, बुनियादी ढांचे के लिए मालिकाना हक की कुल लागत को कम कर सकती हैं। ITI डेटा सेंटर बुनियादी ढांचे को संपूर्ण सेवाएँ और उच्चतम शक्ति के साथ प्रबंधित सेवाएं मुहैया कराती हैं और एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कारक के तौर पर अपने मौजूदा ग्राहकों को कम प्रसार में अधिक कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे की सेवाएं मुहैया कराती हैं, जिससे परिचालन खर्च काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इस मौके पर श्री एस गोपू, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ITI लिमिटेड ने कहा है कि ITI पिछले 10 वर्षों से डेटा सेंटर के कारोबार में है, जिसके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों, PSU, कॉरपोरेट और अन्य सरकारी एजेंसियां जैसे माने जाने ग्राहक हैं। ITI कंपनी अपने देश डेटा सेंटर सेवाओं का विस्तार कर रही है। बेंगलोर में 100 रैक्स स्पेस के साथ नया डेटा सेंटर और नैनी में 200 रैक्स स्पेस ITI की
महत्वाकांक्षी विस्तार योजना है अब फलीफूत हो रही है। आईटीआई डेटा सेंटर अधिक क्षमता के साथ यह भारत में सबसे बड़ा पीएसयू डेटा सेंटर में से एक बन गया है। हमें यह जानकर बेहद खुशी है कि कई संगठनों में अभी भी अपने डेटा को आईटीआई लिमिटेड के पास संरक्षित रखने के लिए दिलचस्पी दिखाई है। डेटा सेंटर का यह विस्तार भारत सरकार के डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी जैसे प्रमुख प्रयासों के प्रति आईटीआई की गहन प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साइट को विभिन्न प्रकार की पेशकश मुहैया कराने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें मैनेज्ड को लोकेशन सर्विस, मैनेज्ड डेडिकेटेड सर्विस, क्लाउड सर्विसेज शामिल हैं। एक मैनेज्ड को लोकेशन सर्विस में कंपनी अत्यधिक उपलब्ध भरोसेमंद और सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचे के साथ टीयर 3+ डेटा सेंटर सुविधाएं मुहैया कराती है, जिसमें बिजली, आवश्यक कूलिंग, बेहतरीन फायर डिटेक्शन एंड संप्रेषण प्रणालियां एवं पर्यावरण नियंत्रण शामिल है। मैनेज्ड डेडिकेटेड सर्विस में कंपनी आपकी सभी डिजिटल कंप्यूटिंग जरूरतों की देखभाल के लिए मूल्यवर्धित है सेवाओं के साथ समर्पित आधार पर लीज्ड मॉडल पर सर्वर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधन मुहैया कराती है। क्लाउड सेवाएं ग्राहकों की जरूरत के आधार पर स्टोरेज व अन्य संबंधित सेवाएं मुहैया कराएंगी, जिन्हें विभिन्न जरूरतों के मुताबिक किसी भी स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। श्री के अलगसेन निदेशक फाउंडेशन एंड HR ने कहा है कि ITI जो अनोखी पेशकश करता है वह एक बहुआयामी अत्यधिक सुरक्षित और मजबूत डेटा सेंटर है जो ग्राहकों के लिए अधिकतम निवेश का परिणाम देता है। डेटा सेंटर के लिए सुरक्षा के कई स्तर बनाए गए हैं, जैसे भौतिक सुरक्षा, बायोमेट्रिक सत्यापन, कैजिंग और लॉजिकल सुरक्षा, जिसमें श्रेणी के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा उपाय शामिल हैं जो ISO 9001 एंड 20,000 एंड 27,001 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं। ITI का बेहतरीन डेटा सेंटर फिलहाल 20,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनमें हजारों की संख्या में IT बुनियादी ढांचा उपकरणों को सहजने की क्षमता है और इसे अत्यधिक संरक्षित और स्थायी परिवेश में मूल्यवर्धित सेवाओं की व्यापक श्रृंखला के साथ प्रमुख होस्टिंग सेवाओं को पेशकश करने के लिए डिजाइन किया जाता है। डेटा सेंटर किसी भी डिजिटल बुनियादी ढांचे की रीढ़ होते हैं। ITI लिमिटेड अपने ग्राहकों को उनके कारोबारी उद्देश्यों से पूरा करने में मदद करने के लिए नई पीढ़ी के डेटा सेंटर और क्लाउड बुनियादी ढांचा बनाने में एक क्रांति में आगे बढ़ रही है। नैनी में नया डेटा सेंटर बेंगलोर में होस्टिंग करने वाले ग्राहकों के लिए एक डिजास्टर रिकवरी साइट के तौर पर काम करेगा और बेंगलोर में डेटा सेंटर नैनी में होस्टिंग करने के वाले लोगों के लिए एक डिजास्टर रिकवरी साइट के तौर पर यह काम करेगा। आज ग्राहक डेटा संरक्षित करने के लिए डेटा स्टोरेज क्षमता में बढ़ोतरी संगठनों के लिए एक जरूरत बन रहा है। इस समय जब एक मजबूत परितंत्र और उचित बुनियादी ढांचा बनाना कारोबारों के लिए महत्वपूर्ण है, ITI लिमिटेड डेटा सेंटर कभी सभी कारोबारों के लिए उचित स्टोरेज और अबाध कामकाज के लिए नेटवर्किंग सुनिश्चित करेगा। भारत में डेटा सेंटर क्षेत्र की तेज वृद्धि काफ़ी बढ़ रही है और क्लाउड कंप्यूटिंग और स्टोरेज स्पेस की जबरदस्त मांग की दिशा में जबरदस्त वृद्धि पर आधारित है। यह सरकार के मेक इन इंडिया, ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका है। ITI लिमिटेड हाल ही में 2017-18 में 102 करोड़ रुपए के मुनाफा कमाने की घोषणा की है। पिछले 16 वर्षों में वित्तीय संकट का सामना कर रही ITI की कंपनी की स्थिति में सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2017-18 में लाभ घोषित किया है। कंपनी अपने ग्राहकों को अपने कारोबार की बढ़ती मांग का समर्थन करने के लिए अपने ITI कामकाज के प्रबंधन के लिहाज से सुरक्षित और विश्वसनीय समाधान मुहैया कराने के प्रति प्रतिबद्ध है। कंपनी ने दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारत सरकार के साथ देश में बनाए जाने वाले दूरसंचार उपकरण और रक्षा मंत्रालय के एक इनक्रिप्शन प्रोडक्ट्स एंड नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम, भारत नेट फेज 2 और भारतीय महत्व के भारत सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अवसरों को बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ITI लिमिटेड हैज अनाउंस्ड द प्रॉफिट ऑफ 102 crore फॉर द ईयर ऑफ 2017-18। कंपनी विच वाज सिक फॉर द लास्ट 16 ईयर हैज टर्न्ड ग्रीन एंड हैज बीन डिक्लेयर्ड प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। कंपनी टोटल टर्नओवर फॉर द पीरियड ऑफ एंडेड मार्च 31-1980 1703 crore रुपए कंपेयर टू द 1621 crore रुपए ऑफ द प्रीवियस पीरियड एंड ऑफ मार्च 31 मार्च 2017। ITI मेज ए नेट प्रॉफिट ऑफ 102 करोड़ रुपए विदाउट ग्रांट्स एंड एज पर द हाईलाइट द कंपनी अचीवमेंट फॉर द ईयर 1718। दी श्री एस गोपू चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ITI लिमिटेड सेड द ग्लोरियस मोमेंट ऑफ पीरियड ऑफ ITI एंड इट इज फिनोमेंटल परफॉर्मेंस कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ITI इज नाउ पोज्ड टेक ऑफ फ्रॉम द एकम्प्लेंस टू द रिग्रेट एंड रिगेन इट्स पास्ट ग्लोरी। आफ्टर सिक ऑफ 16 ईयर ITI हैज बीन एबल टू टर्न अराउंड फ्रॉम द लॉस ऑफ द प्रॉफिट। दिस वॉज
दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाई टाइमली एंड बिजनेस डिसीजन क्यूजन फाइनेंशियल एंड बिजनेस स्ट्रेटजी वी हैव सेट ए पॉजिटिव एंड मोटिवेट एटमोसफियर फॉर द एम्प्लॉय एंड टूडे रिजल्ट आर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आई एम श्योर ITI विल नॉट लुक बैक फ्रॉम द पोजिशन बट इट वॉज क्रिएटेड एंड इट विल मार्च टुवर्ड्स मैनी मोर रिवेन्यू इनहेंसिंग अचीवमेंट इन द लास्ट ईयर 17-18 कंपनी हैज अचीव्ड वेरियस माइल्ड स्टोन ITI इज लोएस्ट बिडर इन द महानेट टेंडर पार्ट ऑफ द भारतनेट फेज ITI फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ITI इज लोएस्ट बिडर इन द टेंडर बाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द ASUN phase 4 project and ITI has started supply of smart energy meter to Energy Efficiency Service Limited EESL against an order worth of 800 crore. ITI has lowest bidder in the 3 tender of BSNL. ITI has part of the BharatNet phase 1 connecting over 1 lakh gram panchayat across the country and has successfully implemented this 40,000 gram panchayat which has received an appreciation from the Honorable Union Minister of Communication for its significant contribution as a equipment supplier. ITI is committed to the Government of India initiative like Make in India, Digital India, Swachh Bharat, Skill India and Smart City. ITI Limited inks MOU with the Department of Telecommunication Ministry of the Communication and IT. ITI Limited has signed an Memorandum and Understanding with the Department of the Telecommunication Ministry of the Communication and IT and Governments of the India for the year 18-19. Mr. Aruna Sundar Rajan, IAS Telecom Secretary and Chairman, Telecom Communication Department of the Telecommunication and Sri S. Gopu, Chairman and Managing Director of ITI Limited, signed the MOU May 14, 2008 at Sansar Bhavan, New Delhi. The MOU envisages ITI's significant role in the field of the telecommunication to pursue the opportunity of indigenous telecommunication equipment bids, GPON manufacturing with the indigenous technology, and arising out of the government national telecom, IoT space, Digital India, Make in India. Champions also play the important role in the government of India. Funded project on the national importance like BharatNet Phase 2nd and Network for the Spectrum NFC and encryption project of the Ministry of Defense. ITI Limited announced the turnover for the year 17-18. ITI Limited, country first telecom manufacturing company, announced in the turnover of the company the year 1780. Company total turnover for the period of ended March 31, 2018 was 1701 crore rupee compared to the 1621 crore rupee for the previous year ended March 31, 2017. ITI made a profit of 27 crore without grant as per approved audit. Grant and approved audit financial result in the third quarter and the profit comes after the long gap of 16 year. Highlight the company achievement for the year 17-18. Sri S. Gopu, Chairman and Managing Director of ITI Limited, said it is phenomenal feat in the history of ITI. After 16 year, ITI has been able to turn around from the loss incurring company to profit making company. This has been made possibly by the timely decision, prudent financial measure and proactive business initiative, also enhance the manufacturing in line with the Make in India program of Government of India and diversification into the emerging area business like IoT, Smart City, etc. have given new prospect of revenue by new turning a forward looking positive attitude across the all the section of the employee and company has become more violent than ever. In the last year 1780, company has achieved many milestones. With the reversal package of support of the Government of India, revival package support of the Government of India, and renewed electronics manufacturing infrastructure, diversification into IoT, Smart City, and rejuvenated manpower, and the turnover of the company has improved. ITI Limited company has first and multinational public unit, and according to that, the key highlight of the year, ITI has lowest bidder in the Mahanet Maharashtra BharatNet phase 2nd tender and value added 4000 crore. ITI has been lowest bidder in the
प्रेस्टिजियस एस्कॉन फेज 4 एंड वर्थ 8,000 करोड़। आईटीआई हैज बैग्ड एन ऑर्डर ऑफ 800 करोड़ फॉर द सप्लाई ऑफ स्मार्ट एनर्जी मीटर फ्रॉम द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड एंड वी हैव सीन एबल टू पोजिशन ऑफ आईटीआई एज लोएस्ट बिंडर इन द 3 टेंडर ऑफ बीएसएनएल रिक्वायरमेंट अमाउंटिंग ऑफ 400 करोड़। आईटीआई हैज पार्ट ऑफ भारतनेट फेस बैंड कनेक्टिंग ओवर 1 लाख ग्राम पंचायत अक्रॉस द कंट्री एंड हैज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड दिस 40,000 ग्राम पंचायत विच हैज बीन विच हैज कम्युनिकेशन ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन एज इक्विपमेंट सपोर्ट। आईटीआई हैज कमिटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव लाइक मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, स्किल इंडिया एंड स्मार्ट सिटी। आईटीआई ऑर्डर बुक स्टैंड्स एट 3,671 करोड़। आईटीआई नैनी यूनिट सेट नंबर्स द सोलर यूनिट ऑफ आईटीआई विच इज प्लांटिंग टू सेटअप 500 kW कैपेसिटी ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन फॉर कैपेटिव यूज। ऑल्सो यूनिट वुड बी इम्प्लीमेंटेड टू 10 MW प्रोजेक्ट इन द कंपनी लिमिटेड TPTCL एज ए पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट अंडर MNRE। आईटीआई लिमिटेड कंपनी फर्स्ट PSU पोस्ट इंडिपेंडेंट प्रीमियर टेलीकम्युनिकेशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड ऑफ द 9 month एंडेड 31 December 2017 विथ ए प्रॉफिट ऑफ ₹19 करोड़ विदाउट एनी गवर्नमेंट ग्रांट। कंपनी टोटल इनकम फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2017 वाज 922 करोड़ अप एंड नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड वाज इंक्रीज 109% टू ₹19 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ एंडेड December 31, 2017 विदाउट एनी एड फ्रॉम गवर्नमेंट एज अगेंस्ट द लॉस ऑफ ₹203 करोड़ फॉर द प्रीवियस ईयर। एज ऑन 31 December 2017 आईटीआई ऑर्डर बुक पोजिशन इन 2137 करोड़। हाईलाइट द कंपनी अचीवमेंट ऑफ द ईयर 2017 श्री एस गोपू चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईटीआई लिमिटेड सेड आफ्टर ए गैप ऑफ 16 ईयर आईटीआई लिमिटेड हैज अचीव्ड दिस प्रॉफिट फॉर द 3rd quarter विच इज रिमार्केबल फीट टुवर्ड्स द आईटीआई रिवाइवल आउट ऑफ 4-5 यूनिट। 4 यूनिट हैज रजिस्टर्ड ए सिग्निफिकेंट प्रॉफिट एंड आईटीआई इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द ग्रांड फाइनेंशियल 17-18 एंड कंपनी हैज बोर्न 8,000 करोड़ डील ऑफ द आर्मी स्टेटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 800 करोड़ ऑर्डर ऑफ द सप्लाई ऑफ स्मार्ट एनर्जी मीटर फ्रॉम द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। आईटीआई लिमिटेड हैज अचीव्ड ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय बीइंग ए पार्ट एंड फेज 1 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोजेक्ट भारत नेट कनेक्टिंग ओवर 1 लाख ग्राम पंचायत अक्रॉस द कंट्री विथ हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। द प्रोजेक्ट इन्वेस्टेज हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एट ए अफोर्डेबल प्राइस इन द ओवर 2.5 लाख विलेज एंड कंपनी हैज रिसीव्ड सर्टिफिकेट ऑन अप्रिसिएशन फ्रॉम द ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर कम्युनिकेशन फ्रॉम सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन एंड इक्विपमेंट सप्लाई फॉर द भारत नेट फेज 1। द टेंडर ऑफ फेज 2 प्रोजेक्ट आर अनाउंस्ड। आईटीआई इज मेकिंग ऑल आउट एफर्ट टू पार्टिसिपेट इन ऑल द टेंडर एज पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट स्वच्छ भारत मिशन टू मैन्युफैक्चर फीडबैक डिवाइस टू सिविक्स बॉडीज ऑफ द डिफरेंट स्टेट। आईटीआई हैज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड 1,000 डिवाइस इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना। आईटीआई आल्सो सेटिंग अप द डेटा सेंटर एंड रैक स्पेस ऑफ 24,000 square feet इन द कंपनी हैज प्लान टू मेक 150 रैक स्पेस रेडी बाई मार्च 2018। विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईटीआई हैज अपग्रेडेड द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू सप्लीमेंट इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर। बारह राज्यों में सार्वजनिक शौचालयों में सुधार के लिए आईटीआई की फीडबैक डिवाइस और ऑनलाइन फीडेस डैशबोर्ड सेवाएं शहर के स्वच्छता के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पूरे देश में सार्वजनिक शौचालय में खराब स्वच्छता के अनुभव से निपटने के लिए आईटीआई लिमिटेड भारत सरकार भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई और दूरसंचार उपकरणों में निर्माण के अग्रणी और स्थानीय राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित प्राधिकरणों की सार्वजनिक शौचालय से वास्तविक समय का फीडबैक डेटा प्रदान करने हेतु आज वेबसाइट आईटीआई लिमिटेड स्वच्छ सर्वेक्षण feedback.com को लॉन्च किया गया है। वेबसाइट आईटीआई की सक्षम डैशबोर्ड की स्वच्छता फीडबैक प्रणाली है जो भारत के 12 राज्य सरकारों में स्थापित सभी फीडबैक डिवाइसों में आंखों देखी डेटा प्रदान करती है। जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पांडिचेरी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। यह वेबसाइट आईटीआई लिमिटेड की देखरेख और स्वामित्व में है। बाकी के कमरे में स्थापित डिवाइसेज से GPRS के माध्यम से प्राप्त किए गए फीडबैक डेटा वो क्लाउड सर्वर में संग्रहित होंगे और सभी राज्यवार जानकारी को समय समय पर अद्यतन किया जाएगा।
अब तक आईटीआई ने 5 राज्यों में दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और तेलंगाना के नगर निकायों में लगभग 300 उपक्रम स्थापित किए कर चुकी है। कर्नाटक में आईटीआई ने पहले ही भारत के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बहुत बेंगलोर महानगर पालिका 600 स्थानों में से 100 फीडबैक डिवाइसेस स्थापित कर चुकी हैं। सुसज्जित सार्वजनिक शौचालय नागरिकों को सीधे शौचालयों में जगहों से राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों को प्रतिक्रिया देने में सक्षम होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ भारत का सपना साकार करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने शौचालयों की सफाई के लिए नियमित रूप से निगरानी करने के लिए सार्वजनिक शौचालयों पर प्रक्रिया उपकरणों को स्थापित करने की योजना बनाई है। इसे देखते हुए MOUD ने अप्रैल 2017 में ITI लिमिटेड के फीडबैक उपकरणों को खरीद पर विचार करने के लिए 12 राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए थे। स्वच्छता फीडबैक वेबसाइट की शुरुआत करते ही ITI लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री एस गोपू ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ITI शहरी विकास मंत्रालय के साथ मिलकर सार्वजनिक शौचालयों पर प्रतिक्रिया उपकरणों को स्थापित करेगी ताकि नगर निगम निकायों के समर्थन के साथ 12 राज्यों के जिलों में नियमित रूप से शौचालय की स्वच्छता की निगरानी और रखरखाव हो सके। MOUD की प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के सरकार के दृष्टिकोण से पूरक हैं, जहां ITI प्रोटोटाइप निर्माण में स्टार्टअप की मदद कर रहा है, बाजार में प्रवेश करने के लिए मददगार साबित हो रहा है। स्वच्छता फीडबैक वेबसाइट ITI लिमिटेड के प्रमुख पहलों में से एक है, जो संबंधित अधिकारियों को पूरे इलाके में सार्वजनिक शौचालयों में वास्तविक समय की प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। अधिकृत अधिकारी MOUD, EVM महानगर निगम और लिमिटेड स्थापित करणों को प्राप्त वेबसाइटों पर वास्तविक समय डेटा का उपयोग कर सकते हैं। यह वेबसाइट संबंधित 12 राज्यों में सार्वजनिक शौचालयों में स्थानों को देखने के संबंधित अधिकारियों को सक्षम करेगी। फीडबैक डेटा की एक विश्लेषण रिपोर्ट को दैनिक, साप्ताहिक के मासिक आधार पर देखा जा सकेगा। इसके पश्चात वेबसाइट शौचालय लोकेटर फीचर द्वारा समर्थित होगी ताकि शहर में रहने वाले लोग आसानी से इसका पता लगा सके। सार्वजनिक शौचालय को फीडबैक डिवाइस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ITI लिमिटेड के निदेशक उत्पादन विपणन श्री के अलगा सेन ने कहा है कि यूनियन शहरी विकास मंत्रालय ने मंजूरी मिलने के बाद में हमने प्रत्येक सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में उपकरणों की स्थापना शुरू कर दी है। कुछ महीनों के अंदर ही स्थापना का काम पूरा हो जाएगा, इससे हमें नागरिकों को बेहतर नागरिक सेवा प्रदान करने में मदद मिलेगी। डिवाइस के फीडबैक बटन में शौचालय के बारे में अच्छी, औसत और ख़राब जैसी स्वच्छता की जानकारी है। अगर प्रतिक्रिया के किसी विशेष स्थान में खराबी की अधिक है तो डिवाइस आवश्यक कार्यवाही के लिए प्राधिकरण को SMS अलर्ट भेज देगा। और प्रथम स्तर पर वृद्धि मैट्रिक्स संबंधित नगरपालिका द्वारा तय किया जाएगा। यदि कार्यवाही में देरी या कोई कार्यवाही नहीं होती है तो अगला मुद्दा अगले स्तर के अधिकारी को पास भेजा जाएगा। इसके अलावा जब तक उक्त समस्या का समाधान नहीं होता जाता तब तक यह मुद्दा उच्च अधिकारियों तक बढ़ाया जाएगा। दैनिक रिपोर्ट प्रत्येक स्थान के प्रत्येक दिन 8 बजे स्वचालित रूप से जनरेट हो जाएगी और संबंधित प्राधिकरण को ईमेल के माध्यम से भेज दी जाएगी। ITI लिमिटेड कंट्री फर्स्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट एंड प्रीमियर टेलीकॉम कंपनी कंट्रीब्यूट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली फॉर इसरो GSLV मार्क 3 वन ऑफ द प्रेस्टिजियस मिशन ऑफ इसरो लॉन्च ऑन 5 June 2017 टू टेक ए गैंट लीप फॉर द इंडिया एज ए ग्लोबल स्पेस पावर। द इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज फैब्रिकेटेड एज ITI पलपक्कड़ बर सक्सेसफुली फ्लोन इन द GSLV मार्क 3 द पैकेज ऑफ 12 NOC ऑफ डेटा प्रोसेसिंग यूनिट DPU BL3 एंड 12 NOC फॉर रिमोट माउंट सेफ अलार्म RMSA बर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया फर्स्ट डेवलपमेंट फ्लाइट। ITI हैज बीन कोलोबरेट विद द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर BSSC द लोड सेंटर फॉर द लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट ऑफ इसरो फ्रॉम 2010 onwards, the Executive Electronics Space Fabrication Center has been set up in the plant for manufacturing of space product for the BSSC and other ISRO unit and facility to accelerated by the BSSC. Trivandrum and the highly skilled manpower has been trained and certified at BSSC with expertise for space quality production. ITI Limited Palakkad is the only work center entrusted with the assembly and testing of RMSA, which has been used in all space launch. The Palakkad unit has also set up an executive electronics component screening lab as well as testing facility for awareness and radio frequency package to meet the demand of the space and defense segment and handle additional requirement. BSSC had especially appreciated in the
innumerable occasion for the contribution and dedicated service made by the ITI Limited Palakkad in past launch. श्री एस गोपू ने आई टी आई लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है। श्री एस गोपू निदेशक मानव संसाधन ने आई टी आई लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त कार्यभार 31 दिसंबर 2016 को ग्रहण किया है। श्री एस गोपी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आई टी आई ने कहा है कि तकनीकी विकास के साथ तालमेल रखने के लिए हम अपने बुनियादी ढांचे और संसाधन क्षमता का उन्नयन कर रहे हैं। आई टी आई को एक प्रगतिशील कंपनी बनाने की दिशा में हमारा सतत प्रयास एक आकार ले चुका है और कंपनी के गौरव को बढ़ा रहे हैं। श्री एस गोपू आई टी आई लिमिटेड निदेशक का कार्यभार 16 अप्रैल 2014 को ग्रहण किया था। उन्होंने कंपनी में विभिन्न मानव संसाधन पहल को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इकाइयों में मानव संसाधन और पुनरुत्थान के प्रति उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण के कारण मानव संसाधन के प्रभावी उपयोग से कंपनी को मदद मिली है। मद्रास विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त श्री गोपू ने आई टी आई लिमिटेड के बेंगलुरु संयंत्र में सहायक कार्यकारी अभियंता के रूप में जनवरी 1982 से योगदान दिया है। आई टी आई लिमिटेड ने दूरसंचार विभाग संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के साथ 2016-17 के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। श्री जे एस दीपक सचिव दूरसंचार विभाग श्री के जे पी के गुप्ता आई टी आई लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने 7 नवंबर 2017 को समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते ज्ञापन यह दर्शाता है कि आई टी आई भारत सरकार की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया अभियान से उत्पन्न दूरसंचार के क्षेत्र में देशी और दूरसंचार उपस्कर के विनिर्माण के अवसर और उदाहरणार्थ देशी तकनीक के द्वारा जी फोन का विनिर्माण सी डॉट में प्रयासरत है। भारत सरकार के राष्ट्रीय महत्व की निधिबद्ध परियोजना जैसे कि राष्ट्रीय प्रकाशीय तंतु स्पेक्ट्रम के लिए नेटवर्क एवं रक्षा मंत्रालय का एनक्रिप्शन परियोजना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत का जो सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है पीएसयू आईटीआई लिमिटेड की स्थापना 1948 में हुई थी। आज़ादी के बाद से तब तक दूरसंचार के क्षेत्र में एक अग्रणी उद्यम के रूप में इसने वर्तमान राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अत्याधुनिक विनिर्माण सूचना सुविधाओं के साथ 5 स्थानों और विपणन सेवा आउटलेट में देश व्यापी नेटवर्क में फैले हुए कंपनी दूरसंचार उत्पादों में स्विचिंग ट्रांसमिशन एसिस एंड सब्सक्राइबर परिसर उपकरण के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करने वाले कुल समाधान प्रदान करती है। आई टी आई 2005-06 में मानकपुर और रावरवली संयंत्रों में मोबाइल उपकरण निर्माण सुविधाओं के उद्घाटन के लिए ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल यानी GSM प्रौद्योगिकी के विश्व स्तरीय विक्रेताओं के लीग में शामिल हो गया। इसने देश में स्वदेशी मोबाइल उपकरण उत्पादन के नए युग की शुरुआत की है। कंपनी समृद्ध दूरसंचार विशेषज्ञता और विशाल आधारभूत संरचना को तैनात करके अभिसरण बाजार में अपने प्रतिस्पर्धी किनारों को बढ़ाने के लिए दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकी और अपनी विविधता को मजबूत कर रही है। IoT स्मार्ट सिटी स्मार्ट कार्ड शोर व अन्य संबंध दूरसंचार उत्पाद और विविधतापूर्ण क्षेत्रों में पूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए टर्न की परियोजना निष्पादन सहित सेवाओं की ओर विविधता है। सुरक्षित संचार भारत की रक्षा बलों के लिए इंजीनियरिंग रणनीतिक संचार नेटवर्क के सिद्ध रिकॉर्डों के लिए कंपनी की विशेषता है। व्यापक इन हाउस एंड R&D कार्ड डिजाइन की ओर समर्पित है। रक्षा बलों को विकास इनक्रिप्शन समाधान है। ITI लिमिटेड है वो क्या क्या सेवाएं देती हैं, जैसे MLLN प्रबंधित लीज लाइन नेटवर्क स्थानांतरण पॉइंट नेटवर्क संकेतन स्टेट अलोन STTP सिस्टम इंटीग्रेटिंग टेलीकॉम सिस्टम इंटीग्रेटेड IT एंड हब बीट सेवाएं, जैसे ITI की सर्विसेज हैं जैसे कि इंस्टॉलेशन कमीशनिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस फॉर दी सप्लाइड प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल फैब्रिकेशन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB मैन्युफैक्चरिंग डेटा सेंटर होस्टिंग एंड EMC EMI एनवायरमेंट टेस्टिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट 3D प्रिंटिंग कंपोनेंट स्क्रीनिंग फॉर दी मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट। जैसे जो ITI का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेटा सेंटर के लिए ITI डेटा सेंटर इज जॉइंट अटेम्प्ट इन ITI एंड TriMax टू प्रोवाइड ए रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ IT ऑपरेशन। तो TriMax के साथ में ये जॉइंट ऑपरेशन है।
It emphasizes the maintaining business continuity, rapid information ability, storage backup, and thereby minimizing the chance of disruption. ITI data center has safeguards and protection built in there. These include the stable and safeguard infrastructure. Reinforced concrete building for the withstand earthquake, flood, and other natural calamities. Stable and safeguard infrastructure, such as combustion protection plant with the elimination of hazardous material, compliance with the National Fire Protection Association, and cross-joint multi-sensor detector in overhead, below floor, and within the rack configuration, high-speed smoke detection, very early aspiration type fire detection system in the several halls, fire suppression with the effective eco-friendly zero residue FM2000 gas, individual rack level circuit breaker to relocate or localize short circuit, and compartmentation of the power and data cables. High level of security, जैसे कि facilities of confirm security specification ISO IEC 27001 and perimeter security for 24-hour security control system, manual screening at all entry and exit point, CCTV camera monitoring with archaeological record system, multi-tiered level of electronic access security, access card, numeric code, and biometric scanning, carrier neutrality. Major players have their POP and data center, high availability of power, highly stable, high voltage, tier first grid with a dual feed, dual distribution system with the stability equipment across the entire power supply chain, ensuring the required power uptimes, 100% advent of UPS with the battery backup, advent diesel generator, customized power implementing with the single phase and three phase power operation, option of AC-DC power supply capable of handling very high power density equipment, precision control environment, जैसे precision control humidity, ventilation, air conditioning, ensuring optimal performance and avoid equipment failure, temperature variance, humidity variance, raised flooring for several halls to assist data point and to channel airflow. Airflow managed grill work capable of removal and possible hotspot, intelligent building management system capable of handling high localized cooling requirement for modern day power hungry equipment, support service. Multi-platform skilled manpower for 24/7 service. Beyond having the low cost of ownership, ITI data center is built in meets the highest standard of data center infrastructure and placed a great emphasis of service delivery. ITI के डेटा को प्रीफर क्यों किया है, क्योंकि परसेंटेज इंडियन SI ग्लोबल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, इंडियन टेक्नोलॉजी PSU, ट्रायड थर्ड प्लस डेटा सेंटर फैसिलिटी, कैरियर न्यूट्रलिटी IDC विथ नो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट विद दी ग्रुप अदर बिजनेस, ग्रीन डेटा सेंटर विद दी कॉन्शियस फोकस ऑन अडॉप्टिंग द एनवायरनमेंट फ्रेंडली, एबिलिटी टू सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल रैक विथ पावर रिक्वायरमेंट रैकिंग फ्रॉम दी 4 KVA टू 14 KVA पर रैक, एंड प्रपोज्ड VCP एंड DR सपोर्ट फ्रॉम दी मुंबई, सर्विस कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस पोर्टफोलियो राइट फ्रॉम दी इंफ्रास्ट्रक्चर टू एप्लायंस, enabling ITI to provide a turnkey solution as a pure play IDC. ITI intend to differentiate on providing customer service, which can only be achieved through the focus on IDC business. Multi-platform experience for service delivery using class ITIL process. Bangalore is supported to be one of the best location for the data center facility and similarly one of the most stable location of India. Bangalore has the proximity of Indian ITES sector, but geographically distant from the manufacturing and BFSI hub of India. So, hosting service kya hai? Hosting solution offered by the ITI data center can be help organization achieve more from the IT department, which will contribute towards its overall success. Hosting service are comprehensive suit for the service of host and manage the mission critical infrastructure and application throughout its reach. Workflow, our service will ensure complete reliability, security, low TCO, scalability, support, and peace of mind. Dedicated hosting service. ITI dedicated hosting service is a service relationship between the ITI and customer, where IT assets such as server, router, switches, storage devices, security devices, etc. dedicated for specific customer provided by the IDC on operating
एक्सपेंस मॉडल इन हाउस्ड इन द फैसिलिटी ऑफ आईटीआई फॉर द फॉर ए कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड अगेंस्ट द स्पेसिफिक फीस. आईटीआई डेडिकेटेड होस्टिंग सर्विस ऑफर ए हाईली सिक्योर फुली रेडुएंट एनवायरमेंटली एंड कंडीशनिंग होस्टिंग स्पेस फॉर द ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ऑफ द कस्टमर आईटी एसेट्स. द सर्विस इंक्लूड प्रोक्योरमेंट प्रोविजनल एंड मेंटेनेंस ऑफ द कस्टमर सर्विस इक्विपमेंट डेटा एंड कॉन्टेंट. द सर्विस आर होस्टेड इन द डेटा सेंटर एंड कस्टमर हैव डिफरेंट एसिस मैकेनिज्म टू कनेक्ट द सर्वर होस्टेड एट डेटा सेंटर लाइक्स प्राइवेट कनेक्टिविटी बैन कनेक्टिविटी पॉइंट टू पॉइंट लीज्ड सर्किट डायलअप फॉर द RAS कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी ओवर पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट VPN ओवर इंटरनेट एंड डायलअप फॉर द इंटरनेट कनेक्टिविटी रेडुएंसी एंड सिक्योरिटी हैज बीन बिल्डअप एट एवरी पॉइंट टू प्रोवाइड द कमिटेड अप टाइम एंड बिल्डअप द ऑफर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फिजिकली एंड लॉजिकली एंड टेक्निकली सिक्योर्ड एंड अंडर द मॉनिटरिंग ऑफ 24/7 वेरियस वैल्यू एडेड सर्विस आर अवेलेबल फॉर द कस्टमर ऑन टॉप ऑफ द बेसिक सर्विस. रिमोट सपोर्टिंग सर्विस ITI रिमोट सपोर्ट सर्विस इज सर्विस रिलेशनशिप बिटवीन द ITI एंड द कस्टमर इन विच द कस्टमर सर्विस रूटर स्विचेज ETC विल बी प्रोवाइडेड बेसिक सपोर्ट सर्विस फॉर द कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड अगेंस्ट द स्पेसिफिक फीस. द कस्टमर विल बी एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डेडिकेटेड सपोर्ट एंड स्टेशन ऑफ द डेटा सेंटर और एफर्ट एंड डिले एसोसिएट विद द फिजिकल विजिट ऑफ द इंजीनियर ऑफ डेटा सेंटर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ द रिमोट ट्रेबल शूटिंग. ITI रिमोट सपोर्ट सर्विस इंक्लूड बेसिक सपोर्ट सर्विस लाइक रिबूटिंग द सर्वर प्लगिंग अनप्लगिंग लैंड केबल्स ETC. दिस सर्विस डज नॉट इंक्लूड एनी थिंग्स फॉर विच द सर्वर इज ओपनड और सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड और अनइंस्टॉल्ड. द कस्टमर कैन अवेल फॉर सर्विस बाई आइदर एंडिंग एन ईमेल विद द रिक्वायर्ड डिटेल्स टू सपोर्ट ITI datacenter.com preferred option for the calling and 24/7 help desk either on the action will be lead to open the service ticket by the support team and assessing the service request number and contact details of the person attending the call for customer and customer can then interact with the support engineer who will follow the details and detail out the email and phone subject and scope the work of this service. मैनेज सर्विस क्या है. ITI के द्वारा मैनेज सर्विस ऑफर्ड बाई द ITI डेटा सेंटर विल बी इंश्योर्ड दैट द UIT इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिपेंडेबल एफिशिएंट फ्लेक्सिबल एंड सिक्योर्ड वाइल ऑप्टिमाइजिंग योर ITI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ITI प्रोवाइड ए कॉम्प्रीहेंसिव सूट साइट फॉर सर्विस टू सपोर्ट द डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑपरेशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ द सर्विस एंड बैकड अप विथ आवर unparalleled expert team. Server management system or server management service. So according to ITI, server monitoring and management service is service relationship between the ITI and customer in which the customer service process, service port, event log and different parameter which are responsible for running the application and server are monitored and managed by the engineer from the data center. Server monitoring and management service ensure maximum ability of the server with the optimum performance. The service does not include procurement, provision and AMC of customer service, data vendor management and contents. Network management service, ITI network router monitoring and management service in the service relationship between the ITI and customer in which the different parameter of the router and monitored and managed by the engineer from the data center and NOC. Router monitoring and management service ensure maximum ability of the router with optimum performance. The client connecting to the data center over a WAN, MPLN, VPN, IPSCC connectivity option cloud will be installing and equipment at the data center. Under the service, the client will be get monitoring and managed at all those equipment as well as monitored and managed the equipment installed at the client and premise. The service does not include procurement and provision of the AMC of router. Managed tape backup service. ITI managed tape backup service is the service relationship between the ITI and the customer. It is with the customer data on server, SAN storage that is housed in the facility of ITI will be hacked up, backed up and per contract backhaul
बैकअप पॉलिसी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अगेंस्ट द स्पेसिफिक फीस एंड कस्टमर विल बी एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डेडिकेटेड टैप बैकअप सॉल्यूशन एंड गेट वर्ल्ड क्लास सपोर्ट बाय व्हेनेवर रिक्वायर्ड एंड सर्विस डज नॉट इंक्लूड वेंडर मैनेजमेंट रिप्लेसमेंट एंड फेल्ड हार्डवेयर एंड रिकवरी ऑफ द डेटा दैट हैज़ नॉट बीन बैकड अप ETC मैनेजमेंट मैनेज स्टोरेज सर्विसेज ITI मैनेज स्टोरेज सर्विसेज इज द सर्विस रिलेशनशिप बिटवीन द ITI एंड कस्टमर इन विच द कस्टमर डेटा इज मैनेज्ड ऑन स्टोरेज एरिया नेटवर्क फॉर द कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड अगेंस्ट द स्पेसिफिक फीस एंड कस्टमर विल बी एबल टू स्टोर एंड स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ डेटा ऑन SAN एंड विल बी एबल टू एक्सपेंड द स्टोरेज क्वालिटी ऑन रिक्वेस्ट थस द कस्टमर विल बी एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट एसोसिएट विद द डेडिकेटेड स्टोरेज सोल्यूशन एंड विल गेट वर्ल्ड क्लास सपोर्ट व्हेनेवर रिक्वायर्ड द सर्विस डज नॉट इंक्लूड वेंडर मैनेजमेंट हार्डवेयर मैनेजमेंट एंड डेटा बैकअप ETC ITI एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो इंडिया फर्स्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट पोस्ट इंडिपेंडेंट ITI एस्टैब्लिश्ड 1948 एवर सिंस द पायोनियर वेंचर इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इट हैज़ बीन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू कंट्री नेशनल टेलीकॉम नेटवर्क एंड विद द स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्प्रेड अक्रॉस द 5 लोकेशन कंट्री वाइड नेटवर्क मार्केटिंग सर्विस आउटलेट द कंपनी ऑफर कंप्लीट रेंज ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट एंड टोटल सॉल्यूशन कवरिंग द होल स्पेक्ट्रम ऑफ स्विचिंग ट्रांसमिशन एसेस एंड सब्सक्राइबर प्रेमिसेस इक्विपमेंट ITI जॉइंड द लीज ऑफ द वर्ल्ड क्लास वेंडर ऑफ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल टेक्नोलॉजी विद द सेटिंग अप ऑफ द मोबाइल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट्स मणकपुर में है एक रायबरेली में प्लांट है 2005-06 में स्थापित किया गया था मणकपुर और रायबरेली में दिस अनहर्ज द न्यू इरा ऑफ इंडिजिनियस मोबाइल इक्विपमेंट प्रोडक्शन इन द कंट्री द कंपनी इज कॉन्सिलेटिंग द डाइवर्सिफिकेशन इनटू द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हॉन इट्स कॉम्पिटिटिव एड्स ऑफ द कन्वर्जेंस मार्केट बाई डिप्लॉइंग इट्स रिच टेलीकॉम एक्सपर्टाइज एंड वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग टुवर्ड्स द IoT स्मार्ट ग्रिड स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट कार्ड्स सोलर अदर एलाइड टेलीकॉम प्रोडक्ट एंड सर्विस इंक्लूडिंग टर्न की प्रोजेक्ट एजुकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डाइवर्सिफाइड फील्ड इट इज मेजर प्लेयर इन द एजुकेशन ऑफ द भारत नेट प्रोजेक्ट एंड फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड एट कनेक्टिंग ऑल द विलेज इन द कंट्री थ्रू हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क सिक्योर कम्युनिकेशन आर कंपनी फॉर द प्रोविन रिकॉर्ड एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर द इंडिया डिफेंस फोर्स एंड एक्सटेंसिव इन द हाउस R&D वर्क इन द डिवोटेड टुवर्ड्स द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनक्रिप्शन सॉल्यूशन टू द इंडियन डिफेंस फोर्स जो कंपनी की नेटवर्क सिस्टम यूनिट है NSU एंड इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट ऑफ ITI लिमिटेड एंड स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग टेलीकॉम नेटवर्क एंड सर्विस मेजर एम्फेसाइज इज गिवन द टर्नकी टेलीकम्युनिकेशन सॉल्यूशन एम्फेसाइज द प्रोफेशनल ऑफ कॉम्प्रीहेंड एंड एग्जीक्यूटिव अप्रोप्रिएट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड टर्नकी टेलीकॉम प्रोजेक्ट एंड इन्वॉल्विंग द प्रोजेक्ट आर अंडरटेकन नेटवर्क प्लानिंग नेटवर्क इंजीनियरिंग नेटवर्क इम्प्लीमेंटिंग एंड रिलेटेड सिविल वर्क्स एंड नेटवर्क मेंटेनेंस एंड कंसल्टेंसी सर्विस एंड टेली सॉल्यूशंस वी ऑफर द फॉलोइंग टेलीकॉम सर्विस वॉइस डेटा एंड वीडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क कंप्रोमाइजिंग ऑफ द डिजिटल स्विचिंग सिस्टम इंक्लूडिंग पैकेट स्विचिंग लो मीडियम हाई कैपेसिटी फीचर्स रीच एंड ISDN टर्मिनल सब्सक्राइबर एसेस नेटवर्क वायर्ड एंड वायरलेस एसेस एंड कस्टमर प्रीमाइसेज इक्विपमेंट DP एंड DTMF कोडलेस फीचर्स टेलीफोन्स ISDN टर्मिनल फैक्स मशीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इक्विपमेंट एंड लेंस connectivity to distant location UHF microwave and fiber optics and satellite high speed data network compromising of the dedicated satellite hub BSAT satellite equipment we provide customer support with the country wide after the sale service and online we support project at glance ASUN project for ministry of defense BSAT based broadband access network in KU band and extended C band तो डिफेंस में भी काम करती है और ये ब्रॉडबैंड एसेस में KU बैंड और सी बैंड में भी काम करती है इंस्टॉलेशन कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ दी CDMA बिल प्रोजेक्ट एट दी अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान में CDMA बिल प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क प्रोजेक्ट फॉर दी PGCIL
PGCIL के लिए वाइड एरिया नेटवर्क प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, BSNL के लिए इंस्टॉलेशन कमीशनिंग मेंटेनेंस फॉर दी OCB 283 AMC फॉर BSNL एंड MTNL। तो BSNL और MCL के लिए OCB 283 AMC पर काम करती है। एंड आउटडोर केबल प्लांट इंस्टॉलेशन, रेलवे इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट एंड ऑफ सोर्स कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर ONGC, ONGC के लिए ऑफ सोर्स कम्युनिकेशन नेटवर्क पर भी काम कर रही है। और ये क्या क्या प्रोवाइड करती है, OCB 283 हार्डवेयर स्टेशन फॉर OCB 283। नेक्स्ट ASUN प्रोजेक्ट प्रोवाइड करवाती है, ये डिफेंस के क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रही है। PGCIL वैन नेटवर्क है ये प्रोवाइड करवा रही है, ऑफ सोर्स कम्युनिकेशन नेटवर्क ये प्रोवाइड करवा रही है।